राजधानी देहरादून में राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में 167 सुपरवाइजर का चयन हो गया है, जिसमें 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निवास पर 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगी। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन लिए गए थे, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ में सबका चयन पूरा किया गया है। वहीं सुपरवाइजरों के कुल 172 पद के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर 5 पदों को छोड़कर शेष सभी के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस अक्टूबर को बड़ा विशेष दिन है और इन नवरात्रों में से लगभग लगभग अष्टमी का वह दिन है और आंगनवाड़ी बहनें जो विगत कई कई वर्षों से जो है विभाग में सेवा करते हुए अपनी इस योग्यता की ओर अग्रसर थी, जहां वह मानदेय कर्मचारी न होकर अब वह सरकारी कर्मचारी बन पाए, तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि ऐसी हमारी आंगनवाड़ी बहनें सुपरवाइजर के पद पर उनकी नियुक्ति जो है वह हो चुकी है, जिसकी नियुक्ति पत्र जो है वह 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उनको दी जाएगी। और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हित में धामी जी की सरकार ने करने का काम किया है और एक महिलाओं के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, आंगनवाड़ी बहनों के प्रति हमारी जो शिद्दत है, वह इस कृत्य में मैं कह सकती हूँ हम सब लोग देख सकते हैं। और निश्चित रूप से लगभग 170 करीब जो है हमारी बहनें सुपरवाइजर बनेंगी और मुझे लगता है कि उनके इस नियुक्ति पत्र के बाद में उनका मनोबल काम करने के लिए और वृद्धि होगा और बेहतरीन ढंग से जो है वह विभाग की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगी और निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी बनते हुए वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।